नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। अभियुक्त को आला कत्ल चाकू सहित किया गिरफ्तार। दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर की थी मासूम बच्ची के गले पर धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और शव खंडर नुमा मकान में फेंक कर अभियुक्त हुआ था फरार। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व 5 वर्षीय मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गले पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और आरोपी शव को खंडर नुमा मकान में फेंक कर फरार हो गया था, जिसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या करने वाले अभियुक्त अमान खान को आला कत्ल चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त अमान खान ने दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर 5 वर्षीय मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गले पर वार कर निर्मम हत्या की थी और हत्या कर शव को खंडर नुमा मकान में फेंक कर फरार हो गया था। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। 3 तारीख को अभी शाम को 6:30 बजे करीब 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। 3 टीमें हमारी तत्काल गठित की गई थी। प्रभारी निरीक्षक किरतपुर और स्वाट सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है, यहाँ अपने मामा के घर रहता था, उसके द्वारा यह कृत्य कारित किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद प्रक्षेत्र के द्वारा 50,000 का नकद इनाम घोषित किया गया है। हत्या के कारण का कुछ पता चल पाया? हत्या का कारण यह जो लड़का है, ये नशेड़ी प्रवृत्ति क्या है और लड़की को गलत नीयत से ही ले आया, लेकिन लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो उसने हत्या कारित कर दी।